अगेन दे आर सेइंग कि जो सेंसिबिलिटी है ना उसे हम देखें, एक कोइंसिडेंस हुआ पड़ा डेट्स का कि ब्लेक और कॉलरिज, अगेन ये दोनों पर्सन लिटरेचर के हैं, ये रोमांटिक एज के विलियम ब्लेक आपने सुना होगा, इसकी पॉइंट्स पढ़ी होंगी, कॉलरिज है इसकी पॉइंट्स पढ़ी होंगी, ये दोनों विल्बर फोर्स के और एंड विल्बर फोर्स वर आफ्टर ऑल कंटेम्प्रेरीज ऑफ आर्कराइट एंड जेम्स वोट, है ना, ये दोनों साइंस के हो गए और वो ऊपर वाले तीनों क्या हो गए, रोमांटिक एज के हो गए, वो लिटरेचर के पर्सन हो गए, मतलब उस टाइम पे, ये बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि सेम टाइम पे अलग अलग फील्ड के लोग प्रोग्रेस कर रहे थे। अगेन इसमें ये कहा हुआ है कि अगर जो लोग इस इल्यूजन के साथ चल रहे हैं, इस धोखे के साथ चल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो इंग्लैंड था वो बहुत अच्छा था, तो वो ये चीज़ें भूल जाएं, क्योंकि उस टाइम पे भी जो विमेन की पोजीशन थी, देखो एक ना विक्टोरियन एज था, विक्टोरियन एज में जो विमेन थी उनको तब इंग्लैंड में वोट डालने का भी राइट नहीं था, तो विक्टोरियन एज में काफ़ी विमेन धीरे धीरे सामने आई, उन्होंने अपना एक आगे रखा कि हम भी हमें भी राइट टू वोट का राइट होना चाहिए और हम भी अपने बारे में कुछ सोच सकें, तो धीरे धीरे उनको, मतलब ये कह रहे हैं कि तब सेंसिबिलिटी नहीं थी, तब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया तब तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ख़राब हुआ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कोल माइंस में काम करवाना शुरू कर दिया, तो क्या प्री इंडस्ट्रियल टाइम में बहुत सब कुछ ठीक था? नहीं, तब भी विमेन का जो सिचुएशन थी वो नहीं अच्छी थी ना, उस टाइम पे भी क्या था, लेबर थी जो विमेन की, चिल्ड्रन की एंडलेस आवर्स तक थी, है ना। अगर हम देखें, एक लिटरेचर का पर्सन है डिफो, उसके जर्नल्स में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, 1725 में उसने जर्नल दिए, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर किया हुआ है। देन ऑगस्टन एज में भी कुछ बताया कि ऑप्टिमिस्ट ऑफ द डे डेंट सी इट मैटर फॉर द प्रोटेस्ट इन द फैक्ट्री दीज इविल्स केम नेक्ड इन पब्लिक, है ना, जो फैक्ट्रीज लग गई थी उसके बाद भी क्या उसका नुकसान भी हुआ, उसके बेनिफिट्स भी हुए। नुकसान ये था कि बच्चों से उसमें इविल काम करवाए जाते थे, छोटी उम्र के बच्चे जिनकी पढ़ने की एज थी वो छोटे छोटे बच्चे चिमनीज़ में काम करते थे, वो उनकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो जाती थी, पर ये सब कुछ नेक था और पब्लिक में था, है ना। जो विलियम ब्लेक हैं उसने काफ़ी पोइम्स लिखी हैं जिसमें उसने चिमनीज़ में बच्चे जो छोटे छोटे थे वो काम करते थे, उन हार्ट ट्रेंडिंग मतलब दिल दहलाने वाली पोइम्स लिखी हैं, पता चलता है कि उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, है ना। उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जो एज सर्वेंट्स भेजे जाते थे, जैसे यहाँ पे क्या है, इन द ब्रॉड ऑगस्टन डे स्कॉटिश माइनर वर लीगली स्टिल्स सर्व्स, सर्व्स क्या होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, जो स्कॉटिश माइनर थे वो क्या करते थे, लीगली, ये लीगल था, जो सर्वेंट्स थे वो बना के भेजा जाता था, जस्ट एज अ माइनर्स ऑफ ग्रीस हैज़ ऑलवेज बीन स्लेव्स, जो ग्रीस के माइनर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, जिनका धर्म कम लोग होते हैं, है ना, उनको एज अ स्लेव्स भेज दिया जाता था, एंड नीदर सिविलाइजेशन थॉट एनीथिंग अमिस, उस टाइम पे किसी ने तब सेंसिबिलिटी की बात नहीं आई कि क्या जो सारे इंसान हैं सेम है, तो कोई किसी का सर्वेंट बन के किसी को क्यों भेजा जा रहा है, तब कोई सेंसिबिलिटी की बात नहीं की गई। अगेन आगे कहा है कि जैसे चाइना और इंडिया में आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पर ब्रूटली काम करवाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला, छोटे छोटे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, हम देखो पढ़ते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूलों में जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी काफ़ी बार जब किसी स्टॉल पे जाके खाना खाते हैं शौक से, तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो बर्तन उठाते हैं, जो हमारे यूज्ड यूटेंसिल्स होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे ही उठाते हैं, तो हम कौन सा मतलब उस चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं, मतलब ठीक है सेंसिबिलिटी, यही कह रहे हैं कि सेंसिबिलिटी है, तो पुराने टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं थी, अगर आज के टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है तो। 13th पेज पे लास्ट पैराग्राफ, साइंस ने हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको दो हिस्सों में चेंज किया है, इसने एक तो न्यू आइडियाज़ अपने फैमिलियर कल्चर जो हमें पहले से पता था उसमें न्यू आइडियाज़ डाले हैं, और इसने काफ़ी टेक्निकल चेंज पर भी प्रेशर डाला है, है ना, जैसे द होल बेसिस ऑफ कल्चर हैज़ इम्परसेप्टिबली मतलब अननोटिसेबल, जिसे हम नोटिस नहीं कर पा रहे वो हो चुका है, जो इन्वेंशंस हैं वो कई बार हम बियर भी नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, लेकिन जो पोइट्री है उससे भी बहुत कुछ मिल रहा है, जो नई इन्वेंशंस है उससे भी बहुत कुछ मिल रहा है, बट व्हेन अ पोएम कैन रीड एंड रीड अगेन इट्स इज़ नेचुरल दैट द इंटरेस्ट शिफ्ट फ्रॉम द रिदम टू द मीनिंग एंड द एल्यूजन, है ना, जब आप एक पोएम को बार बार पढ़ते हैं, कोई सॉन्ग है एक बार आप गाते हैं, दूसरी बार आप गाते हैं तो उसका आपको थोड़ा मीनिंग और पता चलता है, तीसरी बार गाते हैं तो आपका इंटरेस्ट
ट्यून से वर्ड्स पे जाते हैं, फिर वर्ड्स को आप डेप्थ में जाते हो, तो ये धीरे धीरे आपको और ज़्यादा क्लियर होता है। उसी तरह फोटोग्राफी आ गई आजकल, तो पेंटर्स की जो वैल्यू है वो ख़त्म तो हुई है, पर स्टिल कुछ लोगों को पुरानी चीज़ें पसंद हैं तो अभी भी लोग पेंटिंग्स करवाते हैं। अवर होल सेंसिबिलिटी हैज़ बीन रिक्रिएटेड बाय सच सटल शिफ्ट्स। सटल होता है अनक्लियर, हमें हमारी सेंसिबिलिटी को धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो डिफ़िकल्ट थिंग्स है, जो मिस्टीरियस थिंग्स हैं, उनको अपना के ही चलना पड़ेगा। आज के टाइम पे साइंस और आर्ट्स बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो नहीं थी, पर अगर लोग मानते हैं तो चलो मानो कि साइंस और आर्ट्स तब अलग थी, लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं, है ना। उनमें कोऑर्डिनेशन है, वो डिसकॉर्डेंट नहीं है। द डिफ़िकल्टीज विच वी ऑल हैव एज इंटेलिजेंट एमेच्योर इन द फॉलोइंग मॉडर्न लिटरेचर एंड म्यूजिक एंड पेंटिंग आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट, है ना। जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, उनमें कोई ना कोई वैल्यू है। दे आर वन साइन ऑफ द लैक ऑफ ब्रॉड एंड जनरल लैंग्वेज इन आर कल्चर। देखो मेन बात क्या है, हमारे जो कल्चर में एक जो लैंग्वेज है उसकी कमी हो जाती है। देखो कई पर्सन सेम लैंग्वेज में अपने एक अलग से फील्ड में उसी बात को कर जाते हैं, लेकिन लेमैन की लैंग्वेज अलग है। अगर हम सेम लैंग्वेज रखें तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। डिफ़िकल्टी कहाँ आती है हमें अंडरस्टैंड करने में, बेसिक आइडियाज़ ऑफ मॉडर्न साइंस आर साइंस ऑफ सेम लैक। साइंस एंड आर्ट्स शेयर द सेम लैंग्वेज एट द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन टाइम पे साइंस और आर्ट्स की सेम लैंग्वेज थी, रेस्टोरेशन पीरियड जो मैंने आपको बताया है, जो रोमांटिक पीरियड से पहले आया था। दे नो लॉन्गर सीम टू डू सो टू डू, लेकिन आज के टाइम पे सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, बट द रीज़न इज़ दैट दे शेयर द सेम साइलेंस। क्या है लैंग्वेज एक जैसी, क्या है कि हर सब्जेक्ट के लोग क्या है, साइलेंस को लेके चल रहे हैं, ये लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं। दे लैक द सेम लैंग्वेज एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ ईच ऑफ अस टू ट्राई रीमेक दैट वन यूनिवर्सल लैंग्वेज विच अलोन कैन यूनाइट आर्ट एंड साइंस। मतलब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि आज के टाइम पे साइंस और आर्ट्स को जोड़ सके। साइंस की लैंग्वेज अलग नहीं होनी चाहिए, आर्ट्स की लैंग्वेज अलग नहीं होनी चाहिए, ये लैंग्वेज काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए, ताकि एक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाए जो कि आर्ट्स और साइंस को जोड़ सकती है, एंड लेमैन को और साइंटिस्ट को जोड़ सकती है इन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमें पता है कि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें चाइना जाने के लिए चाइनीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ देयर बाई विच यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंट्रीज। सो सेम हेयर दे आर सेइंग कि वन लैंग्वेज शुड बी देयर बाय विच वी कैन coordinate with other subjects also like arts and science. Thank you. Chapter has completed. I tried to explain at my best, but still the chapter was a little bit, we can say कि थोड़ा सा आपको मे बी बोरिंग भी लगाओ। इवन जब इंट्रैक्शन होता है क्लास में हम पढ़ाते हैं तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी आपको जैसे पढ़ाना पड़ रहा है तो आप भी कोऑपरेट कीजिए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट, मैंने आपको लाइन टू लाइन कोशिश भी की है समझाने की। और ये चैप्टर में मेन बात एक ही बताई है कि जो साइंस है आर्ट्स है आज के टाइम पे उनको अलग अलग क्यों कहा जा रहा है, जबकि पुराने टाइम पे अगर हम देखें तो जो मैंने हिस्ट्री में आपको बता दिया कि जो लिटरेचर में जब जब प्रोग्रेस हो रही थी और साइंस में जब जब प्रोग्रेस हो रही थी वो इकट्ठी हो रही थी। कुछ भी ये नहीं था कि उनके लोग अलग थे वो अलग बैठते थे या उनकी थिंकिंग अलग थी, नहीं, वो सब एक साथ ही चलते थे।